मगर हम कुछ नहीं कर सकते। आप सब गवाह, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, पता नहीं जिंदगी है, मैं अल्लाह की कसम दुनिया इस्लाम में जितने हुक्मरान हैं इनसे बरात का ऐलान करता हूँ। मैं इनको अपने हक में नहीं मानता, इनको मैं जो शरीयत को अपने मुल्क में नाफज़ नहीं करते, मेरे ये हुक्मरान नहीं है। मेरे दिल में जो आग लगी है वही यही है कि अल्लाह किसी दिन इस जमीन पर तेरा और तेरे रसूल का झंडा लहराना चाहिए, तेरा निज़ाम जारी होना चाहिए। वो एक चप्पा पर जमीन पर जो जारी करेगा वो मेरा अमीर होगा, वो मेरा इमाम होगा, वो मेरा खलीफा होगा। ये हुक्मरान है, मुतगल्लब हैं, मुसलत हैं, ज़बरदस्ती बैठे हुए बैठे रहे, हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बेबस और मजबूर हैं। मगर मैंने आपको गवाह करके कह दिया कि रिकॉर्ड कर लो कि मैं इनको हकीकी मानों में अपने हुक्मरान नहीं मानता। अगर मेरे दिल में भी आए कि ये हमारे हुक्मरान तो अल्लाह की करोड़ लानत तो मत, ये नहीं हमारे हुक्मरान। हमारा हुक्मरान वही होगा जो अल्लाह और उसके रसूल की किताब सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा। और यह इमाम हुसैन की तहरीर से मैं पढ़ूंगा कि उन्होंने जो खत लिखा तो हम कहते पता ही नहीं चलता इमाम हुसैन का क्या मकसद, ये यूसुफ लिखता है। अब पता तो तब चले जब आपके खुतबे और आपके खत पढ़े, जब आपने पढ़ना ही नहीं तो आपको पता क्या चल रहा। इमाम ने अपने खतों में लिखा कि लोगों एक ही सूढ़ी बात है, ना मैं अपने नाना की गद्दी चाहता हूँ ना तख्त की जरूरत है। इमाम मुसलमानों का सरबरा सिर्फ हो सकता है जो अल्लाह की किताब पर अमल करे, रसूलल्लाह की सुन्नत को जारी करे और उसकी अपनी ज़िंदगी भी खुदा रसूल की मर्जी के मुताबिक हो। मल इमाम सिवाय इसके कोई इमाम नहीं। और झगड़ा तो ये था, मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का ये खुलासा, मैं दिल की तय से जानता हूँ कि खिलाफत के बगैर इस्लाम किसी चीज़ का नाम नहीं। वो हिंदुइज्म हो सकता है, बुद्धिज्म हो सकता है, ईसाइत हो सकती है कि गिरजों में बात करो, मुल्क में जो मर्जी हुकूमत करता रहे, इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम के लाजम है कि हुकूमत इसके हाथ में, तलवार इसके कब्जा में हो। तलवार जो है कुरान की मदद करे, कुरान तलवार को जुलम करने से। मेरी रूच बढ़िया, अगर कुरान भी हुकूमत कायम नहीं होती तो मेरी नमाज रोजा तुहाड़े हाजिर करना सब बेकार है। असं एक दुनियावी धंधा कर रहे हैं कि खुदा की किताब जी अलमारियां बंद है और बंद ने बनाए हुक्म जो दुनिया चल रहे। यह गैरत और जोश अगर इस्लाम साढ़े च नहीं पैदा करता तो ईसाइयों का मजहब है, बुद्धा का मजहब है कि पूजा पाठ करी जाओ तो बस ठीक है। इस्लाम ना कोई तल नहीं, इस्लाम जिसे कुरान लैके आया वे तलवार लैके आया, एवं नहीं किसी वढ़ती जुलम मिटाती, बिल्कुल बेगुनाह का खून अल्लाह के रसूल ने ढकिया। ये झूठ बोलते हैं मुसलमान एवं वढ़ता फिरता, मुसलमान की तलवार मजलूमों की हिमायत ली, भावे ईसाई से जुलम हो हिंदू से, असी जुलम रोकना। कलमा नहीं पढ़ाना, कलमा अगले की मर्जी, पढ़ना चाहता जन्नत जाना जाए, नहीं जाना चाहता ना चाहे, रहा बन के रवे, गिरजा च रवे, अपनी बात ना करे, दीन साडा वेखे, चंगा लगे मन लै। इस तो गलबे तो बगैर जरा ना गलबा इस्लाम वाला इस्लाम ना कहो, भाई किहड़े दीन की गल तुसीं समझाउंदे, ये किसी काफर का दीन हो सकता इस्लाम नहीं। इन गुलामों को शिकायत है कि ना किसा किताब के सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीके। ये सानू दो कुरान चाहिए जरा आखे तो रूस आ जाए कि तरह सलाम करना अमरीका, भाई ये सलाम जरा ना ये है नहीं गा दीन च, ये कबूल करना ईसाई हो जाओ, बुद्ध हो जाओ, दरवेश बन के रहो। इस्लाम जरा दीन चाहता वह या अपनी हुकूमत बना, जे नहीं बनी तो उसको हिजरत करना। वो फरेब खुरदा शाही के पला होकर गुमसो में बाद दे बच्चे जाके गिरजा चाल दी कि उसे गरीब पड़े उन्होंने मरी सकती गल कि समझा। वो फरेब खुरदा शाही के पला होकर गुमसो में उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्मे शाहबाजी। और बाद उच्चे उड़ते हैं वो कवे नहीं होंगे मुरदार खाते, असी कवे बन चुके हैं, रोटी लब्बे पवे सिख आ जाने हिंदू आ जाए, ये नहीं इस्लाम। ये हुसैन तो समझ आऊँगी अल्लाह तौफीक दे तो।